आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बस ड्राइवर ने खातून को टक्कर मारी। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। कहने रहता हूँ मैं, समझे भाई, और मैं जो है सो पुरानी हवेली से जो है सो अपने प्रिंसेस गुरेशा वार्ड से होते हुए पुरानी हवेली से जो है सो आ रहा हूँ मैं। जैसा मैं खजूर की दुकान देखा तो कल से रमजान शरीफ चालू है भैया। अब हम जो है सो वो तैयारी में जो है ना खजूर लेने के लिए जो है सो भाई यहाँ पे क्या कीमत है ज़रा पूछ लो खजूर के, समझ में आया तो ले लेंगे बेगम बोल के मेरी बीवी को मैं उतारा, यही अल्फाज बोल के उतार के जो है सो थोड़ी आगे पे जो है सो गोश्त की दुकान थी। मैं बोला रोड के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं ठहराना, अच्छा नहीं दिखता, इसको भी अपने तरफ से डिस्टर्ब होता बोल के मैं और थोड़ा आगे लेके मेरी बीवी को तो खजूर की दुकान पर उतार देखे, थोड़ा आगे लेके गली में मैं गाड़ी रख के पलट के आए तक जो है सो बस वाले को लोग रोक के रखे। मैं बोला क्या हुआ भाई, कहीं को रोक रहे हैं भाई क्या? अरे भाई एक लेडीज़ को जो है सो बस वाला उछल देते हुए चले आता था, अच्छा वो तो बम्पर से जो है सो अपने टक्कर मारती थी, वो औरत जो है सो गाड़ियों पे गिरी, उड़के गाड़ी पे गिरी और जो है सो अपने, मैं बोला अरे छोड़ दो भाई जान दो ना, तो छोड़ दो बोले अरे नहीं छोड़ नहीं सकते, सीधा पीएस को लेके जाएंगे बोल के पकड़ लिए लोग। तो जैसा मेरी नज़र पड़ी वो कौन औरत है क्या है बोल के जैसा मैं देखा तो मेरी बीवी है, मेरी बीवी को जो है ना बस वाला जो है सो वो भी पैदल लेडीज जो एकदम फुटपाथ पे है, बीच रोड पे भी नहीं है, फुटपाथ पे है, तो लेडीज़ को बस वाला जो है सो उड़ा दिया, उड़ा के जो है सो अपने स्त्री से जो है सो टक्कर मार के भाग जा रहा था। वो तो लोगों की मेहरबानी थी जो लोग जो है सो रोक लिए। कहाँ पे हुआ अंकल ये? ये अपने मिरारम मंडी के सामने भाई, मिर्चक पीएच से जरा आगे बस, मतलब अब जो मिर्चक पीएच की जो लाइन है वो लाइन से अपन जो मंडी को जाते ना वहीं पर, समझिए आप। मेरी लेडीज को जो मेरी बीवी को जो है ना घुटना डैमेज हो गया अंदरूनी तरीके से और घुटने पे मार लगे हुआ है और उनको चलने नहीं आ रहा, और मैं जो है सो मेरी हाउस वाइफ है, मैं भी जो है सो नौकरी पेशा आदमी हूँ और मेरे बच्चे हैं स्कूलों को जाने वाले, कॉलेज को जाने वाले, और उन्हीं करके अपने खिलाएंगे पिलाएंगे तो हम नौकरी को जाएंगे, बच्चे स्कूल कॉलेज को जाएंगे, भले एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं भाई, अब ये बच्चों के एग्जाम्स भी है और फिर कल से जो है सो रमजान शरीफ है। मैं जो है सो एक मामली नौकर आदमी हूँ, कपड़े की दुकान में जो है सो काम करता हूँ मैं। अब आप कंप्लेंट करा है मिर्चौक पीएस में? मिर्चौक पीएस में मैं कंप्लेंट करा तो मिर्चौक पीएस वाले ये बोल रहे हैं कि कंप्लेन कल भी कर सकते हैं भाई, पहले आप जाके अपनी बीवी को जो है सो देखो बोल के बोल रहे हैं। बस वाले को क्या करेंगे? बस वाले को जो है सो रिलीज दे दिए वो लोग। कांस्टेबल क्या बोल रहे हैं? जब मैं ऐसा बोला तो जो है सो पीएस में जो है सो ये बोल रहे हैं हाँ यार गुमला भी देख के चलना। मैं बोला भाई छोटी सी गलती के तरफ से एक लेडीज की जान चली आती थी, बस वालों को चाहिए उन्हों तो सेफ रहते ऊपर रहते। कौन बोले साहब? कौन बोले आपको ये बात? कांस्टेबल बोल रहे हैं साहब। क्या नाम है? कौन से पीएस के? ये मिर्चौक पीएस के। और ये भी बोला जा रहा है कि जो है ना तुम लोग देख के करना आ रहे हो हमेशा जो है सो उन्हें कितों को देख के इतनी बड़ी बस कैसा चलाना उन्हें देख के, तो जब इतनी बड़ी बस उन्हें देख के चला नहीं सकता तो वैसे ड्राइवर को रखते क्यों मेरे? आप क्या चाह रहे हैं भाई फिर? अब मैं ये चाह रहा हूँ अब जो मेरे जो है सो छुट्टियाँ होंगे करेंगे तो मेरे को उसका इंस्पेक्शन चाहिए, मतलब उसका मुआवजा चाहिए, और मेरी बीवी को जो भी ट्रीटमेंट हो रहा हो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो और अच्छे से अच्छा अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में लेके गए, अब वहाँ पर भी जो है सो अभी स्टार्ट हो रहा करते ट्रीटमेंट, अभी लेके जाके दो घंटे। क्या चाह रहे हैं आप हुकूमत से? क्या चाह रहे हुकूमत और पुलिस से? क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आरटीसी बस वाले जो है सो एक्सीडेंट करते हुए चले जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।